अस्सलाम वालेकुम, मैं शाफ शेख, खुश आमदी बात करेंगे जन्नत से आगे के एपिसोड में 19 के प्रमो के बारे में। आज के एपिसोड में आपने देखा हूँ जहाँ के मना कर देती है फारूक को, फारूक से रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि पहले जन्नत को आने दें, मैं उससे बात करूँगी, और दूसरी तरफ इब्राहिम के साथ बैठ के पुल पर मजे कर रही होती है। और वहीं जन्नत के शो को एक और होस्ट करते हैं, कहते हैं कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए गई हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। नुमान के साथ काफ़ी खुश होती है और नुमान अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है, उससे कहता है कि मैं जल्दी जन्नत से अपना काम निकलवा के वहाँ से आ जाऊँगा। वहीं पर फारूक उसका पीछा करता है और वहाँ पे मतलब उसने मुझसे कहते हैं कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो फिर जानबूझ के मेरा पीछा मत करो। वही जन्नत वापस आ जाती है और अपने वार्डरोब को देख के काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि हर चीज़ सलीके से रखी होती है। वही नुमान से कहती है कि वो अभी काम कर रही है और फिर बाद में वो बात करेगी क्योंकि अभी वो बिजी है। दूसरी तरफ फारूक उसके पास जाकर सारी बात बताता है तो वो कहती है कि मैं उससे बात करूँगी, तुम्हें बताया कि वो मेरी बात नहीं टालती। वो काफ़ी रोता है, आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वो उसे CCTV दिखाती है और कहती है कि तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बेवकूफ़ थी, वह देख के हैरान रह जाती है। और दूसरी तरफ नुमान उसे कहता है कि मैं अब सब कुछ कर लूँगा, तो कहती है हाँ वहाँ पे थोड़े से नौकरी मुझे भी दे देना जब सब कुछ सेट हो जाएगा। जिस तरह एक आलिम को बुलाती है तो वहाँ पर उसे ऑपोजिट वो देख के कहती है हाँ बुलाओ लेकिन इससे ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ वो भाभी के पास पहुँच जाती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, ना ही वो मुझे बात है। तो वो कहता है कि तुम वही करना जो मैंने तुम्हें कहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या तबस्सुम को कल आएगी और दूसरी तरफ क्या अनुमान की हकीकत आ जाएगी। जन्नत के सामने अभी अपने रेकमेंट के जरिए जो दीजिएगा।